सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रियाज अहमद खान। प्रेस क्लब ब्लेटिन में आज की सबसे बड़ी खबर को लेते हैं। पूरनपुर पुलिस ने सबलपुर खास में गैस एजेंसी के पास छापा मारकर जुए के बड़े मामले का किया खुलासा। 16,010 रुपए की नकदी, 7 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 1 बुलेरो व 1 स्विफ्ट कार सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में आरिफ, यूसुफ, हरभजन सिंह, बासित, सूरज व गालिब सहित शाहजहांपुर, बीसलपुर, शेरपुर कलां व सबलपुर के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने लिखा जुआ, आर्म्स एक्ट व मुठभेड़ का मुकदमा। पुलिस इस गुडवर्क पर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर हम आपको सुना रहे हैं इसके पीछे की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपया प्रति माह लेकर जुआ संचालित कराने के वायरल हुए कई ऑडियो। पूरा खेल समझने के लिए सुनिए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद का पुलिस व आरोपियों के परिजन की मोबाइल पर हुई बातचीत का एक वायरल ऑडियो। हाँ भाई, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, मैं छोटू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बता। अरे यार, क्या मामला है ये यार? अरे यार कुछ नहीं यार, हमें पढ़ी लिख दी थी हमने कहा कि सब सब बात थी, सब कुछ था यार। मेरी बात सुन, मेरी हार हो गई। सीओ साहब से बात थी, उधर बात थी, तो मेरी गलती बता भाई, तुम्हारी गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं, सीओ साहब से ही बात थी, इंस्पेक्टर साहब से ही बात। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, पिछले सीओ चले गए। हाँ, ये ज्यादा सीओ ने रेड डाल दी। मेरी गलती बता भाई, तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को देखना चाहिए था कि इंस्पेक्टर साहब जो गलती। फिर वही बात भट्ट भाई, मैं तो अभी तुम्हारे साथ तैयार हूँ, ये बता। तुम तो साथ में तैयार हो, लेकिन अब जो पापा वाला तो मामला देख लो, यूसुफ वाला। यूसुफ वाला क्या हो गया? अरे पापा जो है ना बंद है यूसुफ, उन्हीं वाला मामला, वही बच जाते, ताली बाली ना बजते। पिताजी भी वही, पिताजी वही है? पिताजी भी वही है यूसुफ यार, जुए में से भोगी थे जुए में। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने बता दे भाई, सीओ साहब चले गए तो उन्हें तो कुछ सोचना चाहिए था ना, ये सोचना चाहिए बता। हाँ वो तो बात ठीक है। सुन, उनसे तालिब भाई से पूछ लेना कि रोहित ने सीओ साहब चले गए। वो तो बात ठीक है, लेकिन 1.5 लाख रुपए महीने या कितने जा रहे हैं, तो जो भी जा रहे हैं मुझे तो पैसे सुन। बिरसंडा में प्रतिबंधित पशुओं का मांस भरकर ले जा रही इको कार हर्रई में पकड़ी गई। धर्मस्थल के पास मांस के अवशेष फेंकने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने कार को पकड़ा, दो आरोपी कूद कर भाग गए, लेकिन चालक पकड़ा गया। हिंदू युवा वाहिनी संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, दिखा आक्रोश। सीओ और इंस्पेक्टर भी पहुंचे, दर्ज होगा केस। बीसलपुर के जसोली में घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया है। पूरनपुर के मोहनपुर जप्ती में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सेवाराम ने 7 और ओम प्रकाश ने 4 लोगों पर दर्ज कराई रिपोर्ट, कई की हालत काफ़ी गंभीर। बीसलपुर के शिवपुरी नदिया में 19 वर्षीय युवती हुई फरार। पटरी खमरिया थाना बरखेड़ा के सतपाल के खिलाफ दर्ज हुआ अगवा करने का मुकदमा। शाहजहांपुर के अमरपाल, सतपाल और लालता प्रसाद ने बीसलपुर के मोहल्ला दुबे में विष्णु को घर में घुसकर पीटा। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। ढकिया महज में फैसले के दौरान घर में घुसकर मारपीट व बलवा करने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने में 5 लोगों पर कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई है। बनवसा बैराज से शारदा नदी में 2,55,000 क्यूसिक पानी रिलीज किया गया है। उफनाने लगी है शारदा, मचा हुआ है हड़कंप। हजारा और रमनगरा इलाके में बाढ़ आने की जताई जा रही है आशंका। प्रशासन एकदम अलर्ट है। हजारा व रमनगरा में कई जगह शारदा नदी कटान पर उतरी हुई है। हजारा क्षेत्र के गाँव राणा प्रताप नगर, श्रीनगर व नहरोसा में शारदा के कटान का जायजा लेने ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान।
बाढ़ खंड के अफसरों को बुलाकर शुरू कराए बचाव कार्य, ग्रामीणों को दिया मुआवजा दिलवाने का आश्वासन, कई गांवों में बूथ सत्यापन को लेकर जनसभाएं भी की और जनता की समस्याएं भी सुनी। चावल मिल मालिकों को दिया जाएगा फोर्टिफिकेशन प्रशिक्षण, पोषण युक्त चावल को तैयार करने के लिए चयनित किए गए थे मिल मालिक। 30 सितंबर को बरेली में मिल मालिकों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीसलपुर में 96 लाख की लागत से बनाए गए PWD के गेस्ट हाउस का बीसलपुर विधायक रामशरण वर्मा ने लोकार्पण किया। SDM राकेश गुप्ता और PWD के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। मिलसंडा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कंचन गुट का हुआ गठन। पेट्रोलियम व्यवसाय अवनीश जायसवाल अध्यक्ष और मोहम्मद रिहान बने महामंत्री। सदर विधायक संजय सिंह गंगवाल जिलाध्यक्ष अनुरूप अग्रवाल, महामंत्री शैली अग्रवाल समेत बिलसंडा चेयरमैन अटल सिंह जायसवाल व बड़ी संख्या में व्यापारी रहे मौजूद। गन्ने की फसल में लाल सरन रोग लगने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। इस बीमारी से गन्ने की फसल खेतों में खराब हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सरन सिंह ढाका बोले, पुरानी प्रजाति व लगातार गन्ना उगाने के कारण बढ़ रहा है रोग, नई प्रजाति के चयन करके फसल चक्र अपनाएं काश्तकार। पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर में एक दिन पूर्व सेंट्रल बार के चैम्बर हटाने को लेकर विवाद में जिला प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है। अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन भेजा था। बीसलपुर नगर पालिका सभागार में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 50 लाभार्थियों को अधिकार पत्र सौंपे गए। विधायक रामशरण वर्मा, SDM राकेश गुप्ता, नगर पालिका चेयरमैन नूर अहमद अंसारी वगैरह मौजूद रहे। स्थापित होने लगा है PM केयर फंड से आया ऑक्सीजन प्लांट। प्लांट को लगाने के लिए पुणे से आई है मैकेनिकों की टीम। ब्लड बैंक के सामने वाले प्लांट पर काम शुरू कर दिया गया है। खेल दिवस के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती करवा रही है जिला फुटबॉल लीग। आज भी डटी रही कई टीमें, खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ग्रह जनपद से 300 किलोमीटर दूर डाला गया सेंटर, परेशान है छात्र। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित सेंटरों के अलावा मनमानी कर डाले गए हैं ये सेंटर। पीलीभीत के एक दर्जन से अधिक लोगों का आगरा में पड़ा है सेंटर। परीक्षा के सेंटर में नहीं रखा गया कोविड नियमों का ध्यान, हावी है मनमानी। और उधर पीलीभीत जिले में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। व्रत रखकर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर उन्हें झूला झुलाया जा रहा है। हर तरफ कृष्ण कन्हैया की जय जयकार के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जनपद के लिए गौरव की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद थी पीलीभीत की बनी बांसुरी। सरकारी योजना से बांसुरी के स्वर मधुर होने की कारीगरों में उम्मीद जगी है। बांसुरी चौराहे से जिले को मिली है खास पहचान। तिथि नक्षत्र व शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं पंडित अनिल शास्त्री। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का महापर्व सहर्ष सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है और सब विधिवत भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। वैष्णव जन श्री कृष्ण का महापर्व कल मनाएंगे। कल नवमी तिथि है और कल रोहिणी नक्षत्र उदया तिथि में रहेगी। कल का राहु काल 3:36 से 5:10 तक रहेगा। कल का अवजित मुहूर्त 12 से 1 तक रहेगा। जय श्री कृष्ण। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं जन्माष्टमी पर्व की कुछ ताज़ा झलकियाँ। पूरनपुर के ब्रह्म कुमारी आश्रम के कार्यक्रम में पहुँचे विधायक बाबूराम पासवान, संदीप खंडेलवाल, शिवम मौर्या और इसके अलावा और भी कई लोगों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। ज़िले भर के मंदिर भव्य रूप से सजाए गए हैं। आपको लेकर चलते हैं पूरनपुर के शिव शक्ति धाम मंदिर, जहां भव्य सजावट है और भजन कीर्तन चल रहा है। आधी रात को मनाया जाएगा पर्व। और अब आपको लेकर चलते हैं गोमती उद्गम तीर्थ माधव टांडा, जहां भव्य सजावट की गई है और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए हमारे संवाददाता कुंवर निर्भय सिंह की ये खास रिपोर्ट। की लाइफलाइन अवध की शान माँ गंगा गोमती का उद्गम तीर्थ स्थल माधव टांडा। आज गोमती का ये उद्गम तीर्थ स्थल भव्य रूप से सजाया गया है। आज का शुभ अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और इसलिए यहाँ पर
श्री कृष्ण जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोविड नियमों का पालन करते हुए ये भव्य मंदिर सजाया गया है। आपको दिखाते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी के इस मंदिर को भी यहाँ के वॉलंटियर्स जो गोमती के भक्त हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है। देखिएगा ये खूबसूरत नज़ारा भगवान कृष्ण जी की झांकी है जो राधा कृष्ण जी की, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है और तैयारी तेजों पे है। और अब मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार दो दिन की बारिश के बाद जनपद में अधिकतम तापक्रम में गिरावट दर्ज की गई है। आज अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात न्यूनतम तापक्रम 23.6 डिग्री सेल्सियस था। अब अगले 24 घंटों के बारे में पूर्वानुमान है कि जगह जगह पर बादल छा सकते हैं तथा बहुत कम कहीं छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। और इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट।